नमस्कार दोस्तों, आज हम इफोर्बिया मिली के बारे में बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी है। और इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कांटे लगे होते हैं और जो कि बहुत शार्प होते हैं और हाथ में लग भी सकते हैं जब हम उसको यूज कर रहे हों। ये एक सकलेंट फैमिली का प्लांट है और बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो होता है। एक बार अगर आपके घर में ये पौधा लग गया तो हमेशा आपका साथ निभाता रहेगा और कई महीनों तक इसमें जो है फ्लावरिंग भी होती रहती है। सर्दियों की शुरुआत से पहले ही इसमें कलियां बननी शुरू हो जाती हैं और पूरी सर्दियों क्या जब तक बरसात होती है, बरसात में भी इसके फ्लावर्स लगे होते हैं। एक बार उग जाते हैं तो बस झड़ते नहीं हैं, लगे ही रहते हैं और आपकी गार्डन की शोभा को बढ़ाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल नेचर मेनिया में स्वागत करती हूं। आप जैसे कि ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मेरा ये प्लांट बहुत ज्यादा पुराना है, इसलिए इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो अब थोड़ी कम होती है। और अब मैं इसको ज्यादा फ्लावरिंग के लिए रेडी कैसे करूंगी, तो ये इस वीडियो में आज आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका प्लांट बहुत पुराना हो चुका है और उसमें कम से कम फ्लावरिंग हो रही है, तो अपने पौधे को आपने फूलों से कैसे भरना है, ये बात मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। दोस्तों, पहले मैं ये बता दूं कि ये एक आउटडोर प्लांट है। माली भैया कई बार इस प्लांट को ये कहकर दे देते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट है। इस चक्कर में ना तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है अंदर और ना ही फ्लावरिंग होती है इस पर। लेकिन जब माली इसको देकर जाता है तो उसमें फूल होते हैं। इस चक्कर में सभी सोचते हैं कि इंडोर प्लांट है और बिल्कुल एक शोपीस की तरह ये लगता है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है और फ्लावर्स का कलर भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसलिए लोग इसे इंडोर समझकर लगा लेते हैं और पौधा हो जाता है खराब। हालांकि पौधे का बहुत ज्यादा कुछ अंदर भी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि बहुत ही हार्डी होता है ये प्लांट और इस प्लांट का ज्यादा कुछ खराब नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आपको इसे धूप में ही रखना होगा, क्योंकि ये फुल सनलाइट में ही रहना पसंद करता है और 5-6 घंटे की धूप अगर इसे मिलेगी तो और भी ज्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। बिना धूप के इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। गाइज, ये ऑर्नामेंटल होने के साथ साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है। नेपाल, चाइना और बहुत सारे देशों में इसके बहुत सारे पार्ट्स का यूज मेडिसिन के तौर पर भी किया जाता है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं इसको आपको कैसे सर्वाइव कराना है और कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग लेनी है, इसके बारे में बात करूंगी। तो इसके लिए हमें बात करनी है इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना डालना है और इसे धूप कितनी चाहिए और किस तरह की खाद इसके लिए आपको प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें पानी की, क्योंकि इस पौधे को पानी की बहुत कम जरूरत होती है, इसलिए हमें इसकी मिट्टी भी इसी तरह की बनानी चाहिए। और इसमें पानी आपको जो है 3-4 दिन में एक बार ही डालना है और सर्दियों में ही इसकी ज्यादा फ्लावरिंग होती है, इसलिए सर्दियों में इसमें आप एक हफ्ते में ही पानी डालें। लेकिन गर्मियों में आप इसमें 3रे या 4थे दिन पानी डाल सकते हैं। जब सूखी हवाएं चलती हैं और मिट्टी बहुत ज्यादा सूख जाती है तो उस टाइम पर आप इसमें 5-6 दिन में पानी डालेंगे तो भी ये चल जाएगा। पानी अगर आप इसमें ज्यादा कर देते हैं तो ये इसका जो स्टेम्स होती हैं वो गलनी स्टार्ट हो जाती हैं और गलने से क्या होता है, वो टूटकर गिर जाती हैं। हालांकि ये पौधा बिल्कुल ऐसा नहीं कि मर जाएगा, तो लेकिन फिर भी आपको इसमें पानी ज्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो हमेशा आपके गार्डन की शोभा को ये बढ़ाता रहेगा। अब बात करते हैं इसको धूप कितनी चाहिए। तो दोस्तों, धूप के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ज्यादा से ज्यादा धूप, जितनी ज्यादा धूप इसे मिलेगी उतनी ही ज्यादा इसकी फ्लावरिंग होगी और ये उतना ही ज्यादा अच्छे से सरवाइव करेगा। लीव्स इसकी ब्रॉड हो जाएंगी और जो कलर फूलों का और जो पत्तों का कलर होता है, क्योंकि पत्तों का कलर भी डार्क ग्रीन होता है और वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं पत्तियां भी इसकी, और ये इतना स्टाइलिश पौधा लगता है लगा हुआ, लेकिन आप इसे इंडोर नहीं लगा सकते, ये इसकी एक कमी है। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो आपको इसकी सौगी मिट्टी रखनी चाहिए, जिससे कि पानी बहुत आसानी से जिसमें कि निकल जाए नीचे से। मिट्टी बिल्कुल भी आपको चिकनी नहीं रखनी है। कहने का मतलब ये है कि इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए
और इसके लिए आपको किस तरह का पॉटिंग मिक्स बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो 30% मैंने इसके लिए सैंड ली है, 30% गार्डन सॉइल और 40% मैंने इसमें फर्टिलाइजर यूज किया है, क्योंकि सर्दियों से पहले ही हमें ये सब काम कर लेने हैं। अगर आप इसका कोई नया प्लांट सेकेंड फ्लावरिंग के लिए आपको रेडी करना है तो आपको सर्दियों के आने से पहले ही तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आपको इसे सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको इसकी कटिंग लगा देनी है। इसको लगाना बहुत ही आसान है, ये कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि माली से आप इसे खरीदें, क्योंकि 100 से 150 रुपए के बीच में माली भैया इसको देते हैं। और आपको ये कहीं भी किसी भी के भी यहाँ पे अपनी फ्रेंड में अपने कहीं पे भी आपको ये नजर आए तो आप बड़ी ही आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जिससे आप कटिंग लेंगे उसका पौधा भी और भी अच्छा सर्वाइव करेगा, क्योंकि जितनी हम किसी भी पौधे की जो है कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो फ्लावरिंग और ज्यादा होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसकी कटिंग आपको कहीं भी नजर आती है तो आप ले लीजिए, किसी के यहाँ भी आपको ये पौधा नजर आता है तो। ये प्लांट जो है वो कई के जो फ्लावर्स होते हैं वो कई कलर्स में आता है ये प्लांट, जैसे कि एक रेड होता है, येलो होता है, और मेरे पास जो एक प्लांट है ये पिंक कलर में है, जिसका कलर थोड़ा कैरेट की तरह का लगता है, जैसे गाजर का रंग होता है, और बहुत ही सुंदर शेडेड ये इसकी जो पत्तियां होती हैं। अब मैं बता देती हूँ सबसे मेन बात जो ध्यान रखने की है इस पौधे के लिए क्या है। सबसे मेन चीज क्या है कि आपको सर्दियों की शुरुआत से पहले ही इसकी गुड़ाई कर देनी है, अगर आपके पास में पुराना पौधा है तो। और गुड़ाई करने के बाद ऊपर की मिट्टी निकालकर उसमें जो भी आपने खाद रेडी किया हुआ है, सैंड और जो खाद है उसका जो मिक्सचर है, उसको आपको अपने पौधे में डाल देना है। ऊपर की सारी मिट्टी हटा लीजिए, फूलों से आपका पौधा लद जाएगा। अच्छे से अपने गमले की गुड़ाई करनी है और उसके बाद आपको ये जो मिक्स मैंने बताया है, ये इस तरह का मिक्स आपको इसमें डाल देना है। और आपको फिर इसको पूरी सर्दियों देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार आप पानी डाल दीजिए, अच्छे तरीके से भर के डाल दीजिए, एक दो मग जितने में भी ये नीचे से आपका पानी जो है वो निकल जाए, बस उसके बाद आपको एक हफ्ते या दो हफ्ते आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें खाद किस तरीके से यूज करना है। मैंने खाद की अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाकर डाली हुई है कि मैं होममेड फर्टिलाइजर कैसे बनाती हूँ और सर्दियों के लिए मैंने कैसे फर्टिलाइजर तैयार किया है और सर्दियों के पौधों के लिए मैंने अपनी खाद कैसे बनाई है ऑर्गेनिक, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और मेरा जो होममेड फर्टिलाइजर होता है वो सफिशिएंट होता है हर तरह के प्लांट के लिए, इसलिए मैं कभी भी बाहर से कोई भी किसी भी तरह का डीएपी वगैरह इस तरह की चीजें कभी यूज नहीं करती हूँ और घर के ही बने हुए फर्टिलाइजर का हमेशा यूज करती हूँ। लेकिन अगर आपको जल्दी फ्लावरिंग चाहिए अपने पौधों में तो मैं एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी आपको इस प्लांट के लिए बता देती हूँ, जो कि बहुत ही आसान होता है बनाना। सबसे पहले आपको बनाना पील फर्टिलाइजर बनाना है, वो भी लिक्विड, और उसमें ही आपको अनियन के छिलके डाल देने हैं, एक दो दिन के जितने भी हों, एक मुट्ठी छिलके डाल दीजिए, एक दो अपना बनाने का छिलके डाल दीजिए, और जो भी दाल आप धोते हैं रात में आप या जब भी आप दाल या छोले वगैरह राजमा वगैरह बनाते हैं, और उसका पानी आपको फेंकना नहीं है, बस उस पानी को इस बनाना पील जो लिक्विड फर्टिलाइजर आपने बनाया है और अनियन वाला, इन तीनों को मिक्स करके ही आप इसमें डाल दीजिए। और बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें किसी तरह की कोई फंगी वगैरह इस पानी में ना हो, और इसको आप छान भी सकते हैं, तो बस यही पानी आपको इसके लिए डाल देना है, या फिर जो भी घर की आप खाद बनाते हैं वो खाद इसके लिए सफिशिएंट होती है, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक सबसे जरूरी चीज इस वाले पौधे के लिए बता देती हूँ कि जो जो प्रिकॉशंस आपने इस पौधे के लिए लेनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है जाननी, क्योंकि इस पौधे में से निकलता है एक सैप जो कि बहुत हार्मफुल होता है। अगर आप जब भी अपने पौधे की कटिंग करते हैं तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है वाइट कलर का, तो उससे आपको अपनी स्किन को भी बचाकर रखना है और बच्चों और अपने पेट्स को भी उससे बचाकर रखना है। इसीलिए इंडोर भी इस पौधे को ज्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में पेट्स होते हैं और कुछ के घर में छोटे बच्चे भी होते हैं और उसमें कांटे भी लगे होते हैं, तो ये इसके जो है ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आपको बच्चों से, पेट से
और अपने खुद के भी जब आप इसका यूज कर रहे हो या आप गुड़ाई वगैरह कर रहे हो, तो आपका अगर एक बार भी हाथ में कांटा इसका लग गया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भी आप इसकी कटिंग वगैरह करें तो थोड़ा सा अपना सावधानी से कीजिए, जिससे कि आपके हाथ में इसके कांटे ना लग जाएं। और इसका जो एक लिक्विड होता है उसमें भी यही होता है कि अगर बाय चांस कोई बच्चा वगैरह इसको चाट लेता है तो टेम्परेरी जो है वो उसकी आंखें जो है उसको दिखाई नहीं देगा, तो वो एक बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। हालांकि वो टेम्परेरी होता है, लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए और हमें अपने इस पौधे को थोड़ा सा अलग बच्चों से रखना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फ्लावरिंग ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये भी हो सकता है कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और आपने उसको बहुत दिनों से उसकी प्रूनिंग नहीं की है, तो भी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एक दो फूल ही आकर रह जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रूनिंग अपने पौधे की करते रहते हैं तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है, या फिर आपने उसको कई बहुत सालों से उसकी रिपोर्टिंग नहीं की है और रूट बोर्न होने की वजह से आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छा वाला जो एक लुक है वो आपका नहीं दे पा रहा है और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा उसमें नहीं हो पा। तीसरा उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका पौधा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको नाइट्रोजन मिल रही है, जो कि सिर्फ उसकी पत्तियों में ही जाकर लग जाती है, और इसकी वजह से आपका जो आपके जो पौधा है उसमें फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो पाती। इसलिए आपको जो भी अपनी होममेड फर्टिलाइज़र है वो पूरी सर्दियों आप दे सकते हैं, एक दो महीने में, जैसे कि एक महीने में एक बार आप एक मुट्ठी खाद भी दो मुट्ठी खाद भी अपने घर की बनी हुई डाल देंगे, तो उसमें भी क्या होता है कि उसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। अपने पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग लाने का एक तरीका और भी होता है कि जितनी भी इस पर सूखी पत्तियां या कलर चेंज हो जाता है पत्तियों का, उन पत्तियों को आप हटाते रहिए। जितनी पत्तियां आप हटाएंगे उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ग्रीन लीव्स को आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो आपके पौधे की शो होती है, लेकिन फिर भी आपको जो भी सूखी पत्तियां हैं उनको हटाते रहना चाहिए। जो फ्लावर आपको लग रहा है कि थोड़े सड़े से लग रहे हैं या गंदे हो गए हैं, उन फ्लावर्स को भी आप हटा देंगे तो भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और हाथों को जब भी आप इस प्लांट को हाथ लगाएं तो हाथों को साबुन से ज़रूर से धो लें, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी पौधे को हाथ लगाने के बाद अपनी आईज़ में खुजली कर लें या फिर अपने मुंह में ही हाथ डालें, आपको ध्यान ना रहे, तो इसलिए इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बस वैसे तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और आप लोगों को अपने घर में ये ज़रूर से शामिल कर लेना चाहिए और आपके घर की शोभा बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छा योगदान देने वाला है। मेरे घर में तो ये कई साल से लगा हुआ है और मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी ये गिफ्ट किया हुआ है और बहुत ही प्यारा लगता है सबको ये। मैं घर पर ही ऑर्गेनिक कम्पोस्ट किस तरीके से बनाती हूँ आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलती हूँ अपनी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।